गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं NSTI चेन्नई के अंदर जो मॉडल टेस्ट हुआ था, कल जो टेस्ट हुआ था उस मॉडल टेस्ट के बारे में। तो काफी स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि जो मॉडल टेस्ट हुआ उसका हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी थे इसके अंदर, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बैंक में से लिए गए थे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो इस सेशन के अंदर टोटली मॉडल टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चन है, लेकिन हम इस सेशन के अंदर 50 क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, दो सेशन कंडक्ट करेंगे, एक सेशन अभी के लिए और सेकंड सेशन रात को 8 बजे, ठीक है? 8:30 बजे से 8:30 या फिर 9 बजे तक, ठीक है? आधा घंटे से 1 घंटे का सेशन हो सकता है, ओके? देन उसके बाद मेरा नाम है सचिन सैनी, आप सभी को पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनको बता दो मेरा नाम है सचिन सैनी। आप मुझे YouTube पे सर्च कर सकते हो, जस्ट सिंपली हैशटैग स्किल मास्टर सर्च कीजिए, जितने भी वीडियोज है मेरी वो आपको मिल जाएंगी, एंड देन साथ ही साथ जो हमारी साथ की टीम है बाकी जो वीडियोज है वो भी आपको मिल जाएंगे, भले वो ट्रेनिंग मेथोलॉजी का कंप्लीट जो यूनिट है उसकी बात हो, भले वो फिटर ट्रेड के क्वेश्चन बैंक की बात हो, या फिर सीएस रिलेटेड वीडियोज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सिंपल आप हैशटैग स्किल मास्टर सर्च कीजिए, ओके? तो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले 130, अपने कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कल हमें टेस्ट में देखने को मिले। तो अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से इनको सेव कर लीजिए, या फिर आप लिख लीजिए कि जो मॉडल टेस्ट है मॉडल क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? ये सब आप लिख लीजिए और इनको लिखते जाइए ताकि आपको याद हो सके। तो काफी ऐसे क्वेश्चन थे साइकोलॉजी से रिलेटेड थे, ठीक है? तो उन क्वेश्चन को हम इस सेशन में गहराई से देखेंगे, ठीक है? मतलब पूरा डिस्कशन पूरे ध्यान से उस चीज को देखेंगे, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी इज ए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी इज ए राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी है। क्या है ऑप्शन दिए हुए आपको? ए कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइज ऑल द क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीरीज ऑफ लेवल ऑफ नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड। ऑप्शन बी ट्रिपार्टाइट बॉडी टू एडवाइज ऑन इश्यू रिलेटिंग टू वोकेशनल ट्रेनिंग। अब सी क्वालिटी एश्योरेंस एंड पॉलिसी रिसर्च बॉडी ऑफ MLDE इन स्किलिंग इकोसिस्टम। और डी एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन विच इनेबल्स डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो इसके अंदर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड आपके पास जवाब देने के लिए। जी राइट आंसर इसका क्या आएगा, क्वालिटी एश्योरेंस एंड पॉलिसी रिसर्च बॉडी ऑफ MHDE इन स्किलिंग इकोसिस्टम। तो NSDA क्या करता है, जितने भी पॉलिसीज बनाई जाती है उनको रिसर्च करता है, ठीक है? जो क्वालिटीज हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको सर्च करने के लिए MHDE ने एक बॉडी बनाई है, ठीक है? अब बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क, यहाँ किसकी बात की जा रही है, NSQF की, जो हमारा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है? सेकेंड ट्रिपार्टाइट बॉडी कौन सी हमारी, NCVT। अब जितने भी एडवाइस देती है या फिर जो एडिशनल फंक्शंस हैं वो किसके है, NCVT के। DGT को किसी भी चीज में एडवाइस करना हो तो वो काम है NCVT का, ठीक है? तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, यहाँ पे DGT की बात हो रही है, ठीक है? एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, किससे रिलेटेड, वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड, जितने भी फैसले होते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड वो कौन करते हैं, DGT करती है। तो यहाँ NSDA की बात की गई है, तो क्या आएगा, क्वालिटी एश्योरेंस एंड पॉलिसी रिसर्च बॉडी ऑफ MHDE इन स्किलिंग इकोसिस्टम, ओके? तो NSDA के बारे में मैंने बता दिया था आपको पहले ही, 2013 में बना था, ठीक है? तो इसके बारे में पहले भी दो क्लासेस हो चुकी हैं, वोकेशनल सिनेरियो इन इंडिया, और मैंने जो फुल फॉर्म्स थी उसके अंदर भी इसके बारे में बताया था। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट सेशन को देख सकते हो, मैंने वो भी अपलोड कर दिया था, ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर टुवर्ड्स द ट्रेनिंग, ठीक है? अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंस्ट्रक्टर है उसकी ट्रेनिज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसमें ना अलग अलग चीजें हैं कि ट्रेनिज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
खुद के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंस्टीट्यूट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि ट्रेनिंग के प्रति कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऑप्शन है हमारे पास, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेशन ऑफ वर्किंग पॉलिसीज टू द ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन बी, कीपिंग हिमसेल्फ अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट मटेरियल्स इन द इंडस्ट्री। थर्ड ऑप्शन, डेवलप ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सोसाइटी। एंड डी, मस्ट गाइड एंड इंस्ट्रक्ट देम प्रॉपरली एंड कंप्लीट द ट्रेनिंग प्रोग्राम एज पर द शेड्यूल। तो आंसर दीजिए इसका, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, तो राइट आंसर का क्या आएगा जी, जैसे आपने बताया, राइट आंसर मस्ट गाइड इंस्ट्रक्ट देम प्रॉपरली एंड कंप्लीट द ट्रेनिंग प्रोग्राम एज पर शेड्यूल। तो हम देख लेते हैं, हमने जैसे प्रीति मैम ने भी सेशन लिया था, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेनिंग के प्रति वो क्या होगी एक इंस्ट्रक्टर की, मस्ट गाइड इंस्ट्रक्ट देम प्रॉपरली एंड कंप्लीट द ट्रेनिंग प्रोग्राम एज पर द शेड्यूल। तो फर्स्ट पॉइंट था इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट था कि ये जो हमारी ट्रेनिंग है उसको समय पे कंप्लीट करना है, इंस्ट्रक्ट करना है उनको, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग के प्रति। तो इसमें काफी कंफ्यूज हो रहे थे कि इसमें लिखा हुआ था कि इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेशन ऑफ वर्किंग पॉलिसीज, ये उसको चूज करके आ गए, वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपने इन चीजों को ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ ट्रेनिंग के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, मस्ट गाइड एंड इंस्ट्रक्ट देम प्रॉपरली एंड कंप्लीट द ट्रेनिंग प्रोग्राम एज पर द शेड्यूल। नोट कर लीजिए इसको। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द फिजिकल क्वालिटी दैट इन्फ्लुएंसेस द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ऑप्शन है आपके पास, वॉइस, इंटेलिजेंट, एंजाइटी और ऑल ऑफ दिस। तो आंसर दीजिए इसका। ओके, सभी के आंसर राइट हैं, कुछ कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो प्रॉब्लम किस तरह की, इसमें क्या पूछा गया है कि जो फिजिकल क्वालिटीज हैं, ठीक है, वो बताने फिजिकल क्वालिटी कौन से लीड करती है, क्या वो वॉइस है, क्या वो इंटेलिजेंस है, क्या वो एंजाइटी है, या फिर ये सभी फिजिकल आपकी जो क्वालिटीज है उससे रिलेटेड है। तो इनके बारे में पहले जान लेते हैं। आपको पता है वॉइस, आवाज किसी की फिजिकल क्वालिटी हो सकती है, क्योंकि वो आपके, अगर आप बोल रहे हो किस वे में बोल रहे हो, आपका स्लैंग क्या बोलने का, तो वो फिजिकल क्वालिटी है ना आपकी, ठीक है। अगर आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो किसी को तो बोलते टाइम आपकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकली आपकी जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वालिटी होती है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस की। अब इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है ये हमारे माइंड से रिलेटेड है कि हाँ हम किस कैसे किस चीज को समझ पा रहे हैं, इमोशनल नॉलेज किसी चीज की, किस तरह से हम उसको पढ़ पा रहे हैं, ये सब चीज आती है इंटेलिजेंस के अंदर। और एंजाइटी किसी चीज की चिंता करना, ठीक है। तो ये भी किससे रिलेटेड है, ये हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब दिमाग से रिलेटेड है। चिंता की वजह से काफी ऐसी प्रॉब्लम्स है, काफी ऐसी बीमारियां जो हो सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया कि क्या ये फिजिकल, पूछा गया कि हमसे जो फिजिकल क्वालिटी है क्या वो है, नहीं तो ये हमारी फिजिकल क्वालिटी नहीं हो सकती कि चिंता करना, तो ये उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा वॉइस। तो इसका राइट आंसर होगा वॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एलिमेंट्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग आर व्यावसायिक प्रशिक्षण के तत्व है। अब आपसे पूछा गया है कि आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है आईटीआई के अंदर, सीटीआई के अंदर, वोकेशनल ट्रेनिंग, आपको आपका व्यावसायिक काम करवाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, नॉलेज, स्किल, पर्सनैलिटी, नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, स्पीड एंड एप्टीट्यूड। जवाब दीजिए इसका, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के। ओके, राइट आंसर शुभांशु, राइट आंसर क्या आएगा इसका, 3 एलिमेंट्स कौन से होते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, ठीक है। नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, नोट कर लीजिए इसको। तो ये कैसे होगा कि जी देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो नॉलेज है
वो क्या, अगर मान लो आपको जो थ्योरेटिकल नॉलेज दी जा रही है, आपकी ट्रेड थ्योरी है, उसमें थ्योरी की नॉलेज दी जा रही है, तो एक नॉलेज हुई ना किसी भी स्किल को परफॉर्म करने की नॉलेज, ठीक है। सेकंड स्किल, किसी भी चीज को प्रैक्टिकल कैसे करना है, किसी भी जॉब को कैसे करना है, किसी स्किल को कैसे परफॉर्म करना है, तो ये सब चीज। अब देन हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है और जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है एटीट्यूड। अब आपको वोकेशनल ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, स्किल के लिए, ठीक है, नॉलेज के लिए। अब उसके साथ साथ कि मान लो आपके लिए पहले से वैसा एनवायरनमेंट बना दिया जाए जैसे कि आपको इंडस्ट्री में मिलने वाला है, अब आपके सिलेबस में इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस है, ठीक है, सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या होता है, आपको यही सब सिखाया जाता है ना कि अच्छे एम्प्लॉय कैसे बने, एम्प्लॉय के कौन से अच्छे गुण होते हैं, क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ती हैं, कैसे हमारी ड्रेस होनी चाहिए, तो कैसा हमारा एटीट्यूड है, ये सब हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि हाँ जब आप जॉब के अंदर जाओ तो कैसा एटीट्यूड साथ लेके जाओ, ठीक है। तो ये वोकेशनल एलिमेंट के, जो वोकेशनल एजुकेशन के तीन एलिमेंट है, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम्स के अंदर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच अमंग द फॉलोइंग आर द कॉमन डिफेक्ट्स इन इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें कह रहा है जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, उनमें कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हमारे पास, डिफेक्ट इन पर्सनैलिटी, इनएडिक्वेट प्रिपरेशन, इम्प्रॉपर मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन और ऑल ऑफ दिस। इसका भी मुझे जवाब दीजिए क्या आएगा। जी लगभग सभी ने सही आंसर दिया है, क्या आएगा इसका, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो हमारे डिफेक्ट्स है इंस्ट्रक्शन के अंदर, कॉमन डिफेक्ट जो सब में पाए जाते हैं, ठीक है, उनको दूर किया जा सकता है लेकिन पाए जाते हैं, तो कौन कौन से हैं, डिफेक्ट इन पर्सनैलिटी, इनएडिक्वेट प्रिपरेशन की तैयारी ना करना, कि जो जैसे मैं अभी क्लास लेना शुरू कर दूं लेकिन उसके अंदर मैंने पीपीटी नहीं बनाई, अपनी कोई तैयारी नहीं की, उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, तो ये क्या होगा, इनएडिक्वेट प्रिपरेशन। तो ये कॉमन डिफेक्ट होते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर। देन इम्प्रॉपर मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, अब आप कुछ प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, ठीक है, अगर आपको स्किल कोई परफॉर्म करनी है, आपको बच्चों को बताना है कि ये स्किल कैसे परफॉर्म करनी है, और आप क्या कर रहे हो, सिंपल प्रोजेक्टर खोल के पीपीटी शो कर रहे हो, अब उनको उसकी नॉलेज दिए जा रहे हो, बताए जा रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल कोई आप चीज कर ही नहीं रहे हो, इम्प्रॉपर मेथड हुआ ना। या फिर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देनी और आप ले आए क्लास के अंदर ईंट दिखाने के लिए, देखिए जी ईंट ये होती है, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं, तो क्या जो उसके अंदर के एलिमेंट्स हैं, जो उसके अंदर कण है, वो उसके अंदर दिख जाएंगे, एलुमिनिया जितने भी उसके अंदर केमिकल्स मिले होते हैं, क्या आपको दिख जाएंगे उसके अंदर, नहीं दिखेंगे, तो इम्प्रॉपर मेथड हो गए, ठीक है, इम्प्रॉपर इवेल्युएशन। अब मान लो आपने टेस्ट लिया, ठीक है, तो उसके अंदर आप जो इवेल्युएशन किया वो आपने गलत कर दिया, ठीक है, या फिर बच्चों को परखने में आपने गलती कर दी कि हाँ बच्चे किस तरह से ज्यादा सीख पाएंगे, किस इंस्ट्रक्शन से, किस तरह के इंस्ट्रक्शन से वो ज्यादा सीख पाएंगे, तो ये भी इम्प्रॉपर इवेल्युएशन के अंदर आता है। अब उसके बाद इनएडिक्वेट ह्यूमन रिलेशनशिप, अपर्याप्त मानवीय संबंध। अब देखिए ऐसा है, जैसे अगर आप कोई स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं तो एक साल के लिए, दो साल के लिए वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सोल्व करना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स है वो आपके पास रहते हैं, लगभग 8 घंटे आपके पास रहते हैं, और आप उनको नॉलेज दे रहे हो, स्किल दे रहे हो, एटीट्यूड उनका चेंज कर रहे हो, तो ये सब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उनके साथ एक ह्यूमन रिलेशन बना के रखें, एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, आप उनसे रिलेशन बनाएं ताकि वो कुछ उनको प्रॉब्लम है, कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको आप सोल्व कर सको, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। ओके मैंने यहाँ 5 डिफेक्ट्स बताए, तो अब देखते हैं यहाँ कौन कौन से दिए हुए हैं। तो हमें जो 3 लाइन वाइज हम 3 देखे वो तीनों ही दिए हुए हैं, तो कौन सा आ जाएगा इसका, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि ये सारे कॉमन डिफेक्ट्स हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट ऑब्जेक्टिव लीड टू। अब स्मार्ट का यहाँ सिंपल सी बात, क्वेश्चन हमारा क्या है, स्मार्ट की फुल फॉर्म पूछी हुई है, ऑब्जेक्टिव लीड टू लिखा हुआ है, स्मार्ट के उद्देश्य हमसे पूछे हुए हैं, तो सिंपल सी बात उसके उद्देश्य याद रख लो, भले उसके फुल फॉर्म याद रख लो, ठीक है, तो आपको स्मार्ट की फुल फॉर्म यहाँ बतानी है, उसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं, उसके उद्देश्य बताने हैं। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एप्लीकेशन, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, स्टैंडर्ड, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, देन थर्ड
स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रियलिस्टिक टारगेट एंड फोर्थ वन जो लास्ट हमारा स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। तो मुझे इसका जवाब दीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ कि क्या क्या ये कहा गया है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमारे। जवाब दीजिए मुझे। यस राइट, आई थिंक सभी के आंसर सही हैं, मोस्ट ऑफ के आपके सबके आंसर सही हैं। तो यहाँ स्मार्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका मतलब बनता है? तो पहले तो देख लीजिए स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या होगी, स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रियलिस्टिक टाइमली या फिर टाइम बाउंड। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो स्पेसिफिक है व्हाट डू यू वांट टू डू, अब आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, अगर आपने कोई चीज परफॉर्म करनी है, कोई चीज करना है, कोई आपने फॉर एग्जाम्पल आपने जॉब की तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप अगर मान लो आपने इंस्ट्रक्टर बनना है, सिंपल सी बात इंस्ट्रक्टर बनना है, तो आपको पता होना चाहिए आप करना क्या चाहते हो। आपको इंस्ट्रक्टर बनना है, ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड है मेजरेबल, हाउ विल यू नो व्हेन यू हैव रीच्ड इट, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप कब तक इंस्ट्रक्टर बन जाओगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अगर आपने CITS में एडमिशन लिया, उसके बाद एक साल का आपने कोर्स किया, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये चीज पहले से मेजर करके रखनी चाहिए। अगर मैं इंस्ट्रक्टर बनने जा रहा हूँ, अगर मैं बनना चाहता हूँ, ये मेरा टारगेट है, तो मुझे पहले CITS में एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, ठीक है, तो उसके बाद जाके कहीं 3, 4, 5 साल बाद मैं इंस्ट्रक्टर की जॉब के लिए एलिजिबल होऊंगा। ठीक है, उसके बाद भी मुझे एग्जामिनेशन देने हैं, ठीक है, तो ये सब आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो ये स्मार्ट के अंदर आते हैं। अचीवेबल, तो खुद से पूछिए इज इट इन योर पावर टू अकॉम्प्लिश इट, क्या आप सच में इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, क्या आप जो ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसको क्लियर कर पाओगे, क्या जितना भी सिलेबस है आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे, क्या आप ट्रेनिंग मेथोलॉजी के अंदर पास हो पाओगे, तो क्या ये आप कर सकते हो, ये खुद से पूछिए कि हाँ क्या अगर हम कर सकते हैं तो हम प्रोसीड करें उसको। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए ये चीज बनी नहीं है, तो आप इसको सिंपल, अगर आप स्मार्ट हो ये चीज यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे ना कि हाँ ये चीज मेरे लिए बनी नहीं तो मैं इसमें क्यों जाऊँ। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर आएंगी। देन रियलिस्टिक, कैन यू रियलिस्टिकली अचीव इट, अब ख्याली पुलाव पकाना बहुत होता है आजकल, ठीक है, अक्सर लोग सोच लेते हैं कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बट होता है नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, आपने देख लिया कि 5 साल लगेंगे उसके अंदर, मैं उसको अचीव भी कर लूंगा, तो ये सब जो चीजें आपने देखी क्या ये रियल है, क्या आप सिर्फ इनको सोच ही रहे हैं या फिर ये सच में हो भी सकती है, आप इनको प्रैक्टिकली एक बार देखिए चीजों को, क्या ये पॉसिबल है, क्या मैं एडमिशन ले पाऊंगा, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा, क्या जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं बस सोचते रहोगे एडमिशन तो हो ही जाना है, तो तब तक एडमिशन कैसे होगा, और जब तक एडमिशन नहीं होगा तो आपको कोर्स कैसे करोगे, आप उसका सर्टिफिकेट कैसे रिसीव करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें रियलिस्टिक होनी चाहिए, जो जो आप आपका जो टारगेट है स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, और साथ ही साथ रियलिस्टिक भी होना चाहिए, वो असली लगे कि हाँ ये चीज आप सच में करने जा रहे हो, ये चीज हो सकती है। ठीक है, देन टाइमली, व्हेन एग्जैक्टली Do you want to accomplish it? अब इसमें क्या कहा गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल आपको लग गए ट्रेनिंग लेने के अंदर, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस लेने में 5 साल लग गए, अब उसके बाद एक चीज और मैंने आपको कही कि आपको जो कॉम्पिटिशन टेस्ट है, जैसे जॉब के लिए टेस्ट है, इंटरव्यू क्लियर करने हैं, वो सब भी आपको करना है, तो कितना टाइम और लगेगा आपको कि आप 5 साल के बाद 6 महीने में 1 साल के अंदर जॉब प्राप्त कर लोगे, है ऐसा कुछ कि हाँ मान लो गवर्नमेंट ने अगर 6 महीने के अंदर पोस्ट निकाली तो मैं 6 महीने या 9 महीने के अंदर मेरी जॉब लग जाएगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने 3 महीने के अंदर पोस्ट निकाल दी मेरी एक्सपीरियंस कंप्लीट होने बाद, तो मैं 6 महीने के अंदर जॉब लग जाऊंगा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि हाँ कब तक आप इस चीज को कंप्लीट कर लोगे, तो ये सब आपके स्मार्ट जो टर्म्स हैं उनके अंदर आएंगे। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि जो मेरे गोल्स हैं वो स्पेसिफिक हैं, मेजरेबल है, अचीवेबल है, रियलिस्टिक भी है, और साथ ही साथ कि कितना टाइम मुझे उस चीज में लगने वाला है। ठीक है, कितना टाइम उसमें लगेगा वो मेजरेबल में आएगा, और देन कितने टाइम में हम उसको प्राप्त कर लेंगे, जैसे कि मान लो
एक्सपीरियंस लेने के लिए हमें टोटल 5 साल लगेंगे, क्योंकि हमें आईटीआई भी करनी है, सीटीआई भी करनी है, देन 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। 5 साल ही हो गए, एंड देन उसके बाद जॉब प्राप्त करने के लिए, जॉब अप्लाई करना, जॉब के लिए इंटरव्यू क्लियर करना, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कितना टाइम बाउंड है मेरे पास। अगर 5 साल मेरे को हो गए हैं, अभी मैंने कंप्लीट कर लिया अपना अपना जो एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट कर लिया, अब उसके बाद क्या हो रहा है, अब उसके बाद अगर मेरे को 1 साल के अंदर जॉब नहीं मिलती तो क्या मैं उसको क्विट कर दूंगा, किसी और की चीज की ओर जाऊंगा? तो ये सब आपने पहले से सोच के रखना है, ठीक है। तो ये था स्मार्ट के ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ओके, आई होप सबको समझ आया होगा। आया सबको? कमेंट कीजिए, मुझे लाइव चैट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रिपीटेशन हेल्प टू डेवलप, दोहराव विकसित करने में मदद करता है। तो इसमें पूछा गया रिपीटेशन, किसी चीज को बार बार करना किस में मदद करता है? क्या वो हमें नकली करने में मदद करता है, क्या वो प्रशिक्षण में मदद करता है, क्या वो कौशल में मदद करता है, या मनोवृत्ति के अंदर? ऑप्शन दिए गए हमारे पास, इमिटेशन, ट्रेनिंग, स्किल और एटीट्यूड। बताइए आप, अगर आपको पता है इसका राइट आंसर क्या आएगा तो मुझे बताइए अभी। जी, आई थिंक किसी को इसमें कोई डाउट भी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। रिपीटेशन किसको डेवलप करता है? तो रिपीटेशन किसको डेवलप करेगा? स्किल्स को। जैसे अगर आप कुछ स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये बंदा, तो क्या होगा, बार बार उस चीज को करने से जो उसका एक्सपीरियंस है वो गेन होगा और उस स्किल को ही अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। अगर मान लो आप 1 साल तक किसी का काम कर रहे हो, यानी कि प्लम्बर का काम कर रहे हो, 1 साल तक इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हो, तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे ना। जो स्किल आप परफॉर्म कर रहे हो उसके अंदर आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज, ओके, तो जो रिपीटेशन है वो किसमें हेल्प करता है? आपकी स्किल में करता है, ठीक है। किसी की नकल करने में आपकी रिपीटेशन कैसे हेल्प करेगा? नकल तो वैसे ही हो जाएगी ना, उसको रिपीट करने की क्या जरूरत है? आपने कुछ देखा कि हाँ सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, किस तरह से क्लासेस ले रहे हैं, तो हम भी उसी तरह से क्लासेस लें, ठीक है। तो ये नकल तो बहुत आसानी से हो जाती है, रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। देन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग हमें बार बार क्यों करनी है? एक बार हमें ट्रेनिंग मिल गई है तो हम बस सिंपली उसका जो कोर्स है उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। देन एटीट्यूड, एटीट्यूड को चेंज कैसे होगा? वो आपके अंदर खुद चेंजेस लाने से होगा, ठीक है। किसी को किसी चीज को बार बार करने से कैसे होगा? तो ये चीज सिंपल सी बात है, बेसिक क्वेश्चन है कि स्किल को हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो डेवलप होगी हमारी, ठीक है। जितनी बार हम स्किल को परफॉर्म करेंगे वो उतनी स्किल हमारी अच्छी होती जाएगी, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लॉ ऑफ पर्पस इज एसोसिएटेड विद द बेस्ट टाइप ऑफ टीचिंग। अब हमसे पूछा गया कानून के उद्देश्य शिक्षण के कौन से स्तर के अंदर आता है या फिर किससे जुड़ा हुआ है? आप सबको पता है टीचिंग के 4 स्टेप होते हैं, कौन से? कमेंट कीजिए कौन कौन से। जी राइट, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड देन टेस्टिंग या इवेल्युएशन। सबका सही है, सबको कंसेप्ट क्लियर है? तो यही हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, परसेप्शन और क्वेश्चनिंग। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ पे गलत डाले हुए हैं, ठीक है। तो खैर इसकी बात बात में करेंगे, तो हम बात करते हैं लॉ ऑफ पर्पस की। आंसर दीजिए, जिस जिसको आंसर पता है वो बताइए इसका क्या होगा। जी राइट, तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि लॉ ऑफ पर्पस में क्या होता है कि किसी भी चीज को करने के लिए हमें उसका उद्देश्य पता होना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चों को हम पढ़ा रहे हो, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने का मेरा उद्देश्य क्या है? ताकि इन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर पाओ, इनको अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। और सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, अब मान लो 50 में से 20 क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो उसका उद्देश्य पता चल गया ना कि हाँ अगर मैं अभी तैयारी करूंगा, अब इनको समझूंगा तो एग्जाम के अंदर मेरी हेल्प होगी। तो ये आपका लॉ ऑफ पर्पस होता है। अब लॉ ऑफ पर्पस हम कौन से स्टेप में यूज करेंगे? क्या हम प्रेजेंटेशन में यूज करेंगे? जी नहीं, हम इसको यूज करेंगे प्रिपरेशन के अंदर। ऐसा क्यों? जैसा आपको पता है कि जो अडल्ट होते हैं उनको सिखाने के लिए पता होना चाहिए कि
हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। उनको मतलब पता होना चाहिए कि अगर मैं ये चीज पढ़ूंगा, ये स्किल परफॉर्म करूंगा तो उसका कहाँ यूज होगा, बिना मतलब वो कोई चीज करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप प्रिपरेशन स्टेप के अंदर ही लाओ पर्पस का यूज करोगे। प्रिपरेशन के दौरान उनको आप बताओगे कि अगर ये मैं स्किल आपको दे रहा हूँ, अगर मैं ये आपका जो नॉलेज है वो आपको दे रहा हूँ, तो ये आपकी कहाँ काम आएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि पीपीटी कैसे बनाते हैं, ठीक है, मैंने पूरे डेमोन्स्ट्रेट करके आपको बताया कि कैसे पीपीटी बनाते हैं, कैसे इन सबका यूज करते हैं, तो उसके अंदर अगर मैंने ये नहीं बताया कि आप पीपीटी अपनी स्टूडेंट्स के लिए बनाने जा रहे हो, जॉब के बाद भी आपके काम आएंगी, हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर भी आपसे पीपीटी बनवा ले, तो मैंने आपको उद्देश्य बताया उस चीज का कि इसके लिए हम ये पीपीटी बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका पता चल गया ना। तो मैं पहले ही प्रिपेयर कर दिया आपको, प्रेजेंट प्रिपरेशन के अंदर ही बता दिया ये चीज सब चीजें आपके आगे काम आएंगे, तो आप इनको अच्छे से देखिए, ठीक है। तो इसलिए लॉ ऑफ पर्पस का यूज हम प्रिपरेशन स्टेप के अंदर करेंगे, ओके। तो इसमें आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग के पिता कौन थे, यानी किसने ऑपरेंट कंडीशनिंग को बनाया था। चार ऑप्शन दिए हम आपके पास, इवान पेट्रोविच पावलोव, या सिंपल मैं कहूँ पावलोव, उसके बाद एडवर्ड ली थोर्नडिके, उसके बाद हमारे कोलर का नाम दिया हुआ है, एंड देन बी एफ स्किनर। तो मुझे बताइए कौन कौन से, कौन सा इसका राइट आंसर आएगा। जी बिल्कुल राइट। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग के फादर कौन थे, किन्होंने उसको बनाया था, तो वो हैं बी एफ स्किनर। अब इसमें इन्होंने क्या किया था, एक चूहे को लिया और एक बॉक्स के अंदर डाल दिया जिसके अंदर कुछ तारे लगी हुई थी, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा था, बिजली फ्लो हो रही थी, ठीक है, ऐसा कुछ उसके अंदर था। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने बनाई, बी एफ स्किनर ने। ये आपको याद रखना है, जितने भी थ्योरीज ऑफ है हमारी, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उनसे काफी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने बनाई, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग कैसे बनाई, किसने बनाई, या फिर हम रेनफोर्समेंट कंडीशन किसने बनाई, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे एग्जाम के अंदर। हो सकता है आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग ना पूछते हो, कोई दूसरी कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग पूछ ली जाए, उसको किसने बनाया, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग से रिलेटेड। अब भारत स्किल में काफी क्वेश्चन थे जो मैचिंग से रिलेटेड थे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं थे, ठीक है। तो उसी में से ये क्वेश्चन आया कि मैच द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग, एनिमल यूज, कि कौन कौन से एनिमल यूज किए गए हैं, ठीक है। तो कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी दिया हुआ फर्स्ट, उसके साथ ब्रैकेट में हमें पी दिया हुआ चिंपांजी, तो ये चिंपांजी पी के साथ है, इस चीज को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। थर्ड हमारे पास ट्रायल एंड एरर थ्योरी, देन इनसाइड थ्योरी, उसके आगे कैट दिया हुआ, तो हमें इनको मैच करना है, हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अपनी बुक पे लिखिए और इनको मैच कीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्लासिकल रिस्पॉन्स थ्योरी किसने बनाई थी, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने बनाई थी, देन इनसाइड थ्योरी किसने बनाई थी, ठीक है, और उसके साथ साथ कौन से जो एनिमल्स है उसमें यूज किए गए थे, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप इसका जवाब दीजिए मुझे, क्या आएगा फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, कौन सा इसका आंसर आएगा। तो आई थिंक एक दो जो हमारे आंसर थे वो राइट थे, एक दो या तीन भी हो सकते हैं, या तो इसमें क्या है, हमें बस जानना है कि कौन सी थ्योरी में कौन से जानवर का यूज किया गया था, ठीक है। तो हम उसको पहले ध्यान से देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी थ्योरी थी, हम उन तीनों की नहीं, चारों थ्योरीज की बात करेंगे, ठीक है। तो पहली जो हमारी थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या क्लासिकल रिस्पॉन्स थ्योरी। अब इसमें क्या किया गया, हम थोड़ा इसको डीप में समझेंगे ताकि आप अच्छे से इस चीज को याद रख सकें, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग है और आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं, ठीक है। हम थोड़े इसको डीप में देखेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या था, एक डॉग लिया गया, किसके द्वारा,
इवान पावलोव के द्वारा। ये भी नोट कर लीजिए आप नोटबुक के अंदर, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने बनाई, पावलोव ने बनाई। किसका यूज किया, एक कुत्ते का यूज किया, एक डॉग का यूज किया, ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो डॉग था इसको कुछ घंटी सुनाई, पहले इसको फूड दिया गया, ठीक है। जब भी वो फूड को देखता तो क्या होता, उसके मुंह में थोड़ी लार आ जाती, ठीक है, या स्लाइवा आ जाता। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसको कुछ कंडीशंस दी गई कि अगर मान लो पहले मैं खाना दे रहे थे, तब उसने क्या किया, उसको स्लाइवा आया या फिर लार आई उसके मुंह में, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद कुछ घंटी बजाई गई ताकि उसको पता चले कि खाने का टाइम हो गया। लेकिन क्योंकि जो पहली चीज थी, अगर घंटी उसको पहली बार सुनाई दी तो उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया, ठीक है, बिल्कुल जीरो रिस्पांस था। लेकिन जब नेक्स्ट डे क्या किया गया, घंटी बजाने के बाद उसको खाना दिया गया, घंटी बजाने के साथ उसको खाना दिया गया, तो उसको पता चलने लग गया कि हाँ ये खाने का टाइम हो गया। जैसे उसने घंटी की आवाज सुनी, उसको लगा कि हाँ अब खाने का टाइम हो गया। तो ये चीज थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर। मैंने छोटा सा रिकैप दिया इसका कि क्या था इसके अंदर। तो जैसे ही कुत्ते को, जब उसको एक आदत हो चुकी थी इस चीज के लिए कि अगर मान लो पहले सिंपल ये था कि अगर खाना आएगा तो मुझे उसकी खुशबू आएगी, मुझे सर्व किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको ट्राई किया गया कि हम घंटी बजाते हैं तो क्या रिस्पॉन्स देता है, जीरो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसको भूख लगी तो उसको खाना चाहिए ना, घंटी की आवाज सुन के वो क्या करेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई, देन साथ में उसको खाना दिया। तब उसको पता चलने लग गया कि जब घंटी बजेगी तो मेरे के पास खाना आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद क्या किया, जब घंटी बजाई तो उसको पता चल गया कि हाँ खाना आ गया है, और वो खाने के लिए वेट करने लग गया, ठीक है। घंटी की आवाज सुनते ही उसके मुंह में स्लाइव आने लग गया, लार आने लग गई। तो ये सब चीज, ठीक है। तो इस तरह से ये थ्योरी आपने याद रखनी है, सिंपल है। क्लासिकल कंडीशनिंग की जो सिंपल कंडीशनिंग थी वो यही थी कि हाँ घंटी बजाओ तो उसको याद आ जाता कि हाँ मेरे खाने का टाइम हो चुका है, या समझ जाता था कि मेरे खाने का टाइम हो चुका है। तो ये किसके साथ थी, एक डॉगी के साथ, एक कुत्ते के साथ। तो आपने इस तरह से इसको याद रखना है। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या था, घंटी बजाओ तो कुत्ते के मुंह में पानी आता था, ठीक है। इस तरह से अब इसको याद रखिए, ठीक है। देन सेकंड, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थॉर्नडिके ने बनाई थी, इसके अंदर क्या था, एक बिल्ली को एक बॉक्स के अंदर छोड़ दिया गया, ठीक है, बंद कर दिया गया उसको, और उसके अंदर एक जैसे रस्सी होती है ना, वो उसके अंदर डाल दी गई, मतलब ऊपर की तरफ से। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ ना, पुल स्ट्रिंग दैट ओपन द ट्रैप डोर। तो उसमें क्या हुआ, एक बॉक्स के अंदर छोटी सी तार कह लो, आप कुछ भी कह लो, उसके अंदर लटका दिया गया, ठीक है। अब बिल्ली वहां क्या कर रही है, इधर उधर घूम रही है, ठीक है। अब जैसे ही उसका, उसने हाथ पर इधर उधर मारना शुरू किया बाहर निकलने के लिए, तो उसका हाथ उस डोरी पे या फिर जो टांगा हुई रस्सी के ऊपर लग गया। जैसे उसने हाथ लगाया तो क्या हुआ, डोर थोड़ा सा ओपन हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उसको पता चला कि हाँ शायद अगर मैं इधर उधर हाथ लगाऊं तो मेरा डोर खुल जाएगा, ठीक है। ये तो इसके अंदर कुछ किया गया था, ठीक है, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। तो इसमें क्या हुआ, जैसे बिल्ली को पता चला कि हाँ अगर मैं इस जगह पे हाथ लगाऊं या डोरी को हाथ लगाऊं तो क्या होगा, खुल जाएगा। तो उसने क्या किया, एक ट्रायल लिया, ठीक है, मतलब कुछ वो करना चाह रहे थे, मतलब कुछ, इसको कैसे कहूं मैं, कैसे समझाऊं कि मतलब आप कुछ करने जा रहे थे चीज, आपको नहीं पता वो कैसे होगा, आप वैसे करे जा रहे हो और वो एकदम से सही हो जाती है, ठीक है। तो ये ट्रायल और एरर, उसके अंदर एरर भी आएंगे, गलतियां भी होंगी, ठीक है, और वो चीज सही भी हो जाएगी समहाउ। तो ये होती है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो आप याद रख सकते हैं कि बिल्ली ने एक्सपेरिमेंट किए थे इधर उधर हाथ मार के, ठीक है, कुत्ते के मुंह में, कंडीशन क्लासिकल कंडीशन में क्या हुआ था, ऐसी कंडीशन बना दी गई थी कि ऐसी हालत हो गई थी उस कुत्ते की कि घंटे बजाते उसके मुंह में लार आ जाती थी, ठीक है। ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी को कैसे करोगे, कि बिल्ली ने एक्सपेरिमेंट किया था कि भी कैसे भी निकलना है मेरे को, हाथ पैर मार के उसने बिल्ली ने बाहर निकलना, ठीक है। तो ट्रायल और एरर, वो फेल भी हुई काफी बार और वो सफल भी हुई, ठीक है। तो उसने जैसे ही रस्सी को खींचा उसका डोर खुल गया। तो ये है ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थॉर्नडिके ने बनाई थी, ठीक है, इसमें बिल्ली का यूज किया गया था, ओके। तो ये चीज आपने ध्यान रख लिया। देन इनसाइट थ्योरी, अब इनसाइट थ्योरी में क्या था, जो कि कोलर ने बनाई थी। अब चिंपांजी के लिए ना, इसमें दो एग्जांपल है, दो बार किया गया था कि उसको जेल के अंदर डाल दिया गया और बाहर रख दिया गया दो उसके पास
स्टिक रख दी गई, जैसे लकड़ी की डंडी होती है ना वो रख दी गई, ठीक है, और सामने उसके जो केले हैं वो रख दिए गए। तो क्या हुआ उसके अंदर, उसने उसके अंदर से सोच आई, ठीक है, कि क्या अगर मैं इस पाइप को, इन स्टिक्स को दोनों को मिला दूं तो क्या वो केले मेरे हाथ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ इन्होंने रखा था। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इसके पास बॉक्स रख दिए, ठीक है, तो बॉक्स से अगर हाथ नहीं आ रहा तो उसने क्या किया, अंदर से सोचा कि इस तरह से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसने क्या किया, सिंपली एक डंडी उठाई और उससे उसको मार के नीचे गिराया। तो ऐसा कुछ थ्योरी के अंदर था। तो सिंपली इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है, कि इनसाइट के अंदर, उसके अंदर से आया कि हाँ अगर मैं ये तरीका ना आजमाते हुए डंडी को दोनों को मिला के उसके अंदर मारू केले पे, क्या पता नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। तो आपने याद रखना है इनसाइट थ्योरी क्या थी, कि उसको अंदर से थोड़ा समझ में आया कि अगर मैं इनको दोनों को मिला दूं तो क्या होगा, एक जो स्टिक है वो लंबी हो जाएगी और मेरा हाथ पहुंच जाएगा, मेरे को केले मिल जाएंगे। तो इस तरह आपने इसको याद रखना। एंड जो लास्ट थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि कभी कभी आपको सफलता पे मिलता है इनाम और कभी कभी असफलता पे मिलता है आपको सजा। जैसे आप, इसका मैं एग्जांपल दूं, जब आप स्कूल टाइम में थे, फोर्थ फिफ्थ क्लास में थे, तो क्या हुआ, आपका टेस्ट लिया गया आपके टीचर के द्वारा, अगर आपके नंबर अच्छे आए हैं, ठीक है, अगर आपने टेबल पढ़ के सुना दी तो क्या वो बहुत अच्छी आपको चॉकलेट दी जा रही है, ठीक है, या फिर शाबाशी दी जा रही है, सबके सामने कहा जा रहा है कि हाँ ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, इसकी तरह बनो, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस आपने टेबल नहीं सुनाई, टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, तो क्या होता था, मुर्गे बन जाओ भैया कोने में जाके, ठीक है, या फिर हाथ लेके आइए, स्टिक से आपको मारा जाता था। तो ये उस तरह से आप याद रख सकते हो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, कि किस कंडीशन में आपको, कहाँ पे आपको इनाम मिलेगा, कहाँ पे आपको सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये रेनफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी है, जो बीएफ स्किनर ने बनाई थी, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने बनाई थी, बीएफ स्किनर ने। तो उसमें क्या था, कुछ इलेक्ट्रिकल ग्रिड लगाई दी थी जिसके अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा था, अगर कोई जो बटन था उसको वो टच करता तो करंट आ रहा था। तो ऐसा कुछ करके इन्होंने इस थ्योरी के अंदर था। तो आपने याद रखना है कि चूहे को शौक दिए गए थे, ठीक है, चूहे को खाना भी दिया गया था और चूहे को शौक भी दिया गए थे ऑपरेंट कंडीशनिंग में, जो किसने बनाई थी, बीएफ स्किनर। ओके, तो ये सब आपने ध्यान रखना। तो अब मैंने आपको चारों जो थ्योरीज थी, ठीक है, चारों थ्योरीज में जिनमें एनिमल यूज हुए थे वो मैंने आपको बता दिया। तो अब मुझे बताइए इसमें क्या आंसर आएगा, ठीक है। कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी थी या फिर कंडीशनल थ्योरी थी, उसमें क्या था, डॉग यूज किया गया था, ठीक है, जिसके मुंह में लार टपक रही थी। तो हम किसको मिलाएंगे, फर्स्ट को हम मिलाएंगे क्यू से, ठीक है। तो पहले नोट कर लीजिए, फर्स्ट के अंदर क्यू आएगा, ठीक है, या फिर क्या हुआ आएगा। देन ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब ट्रायल एंड एरर से क्या याद आता है, जो हमारी बिल्ली मौसी है उसने ट्राई किया था, इधर उधर हाथ मारे थे कि मैं बाहर निकल जाऊं जैसे तैसे, ठीक है। तो सेकंड हम कर देंगे, यहां देखिए सेकंड किससे रिलेट होगा, कैट से रिलेट होगा, और कैट कहाँ पे है, आर पे लिखा हुआ है, तो हम सेकंड लिख देंगे क्याउ और आर। अब बचा हमारा कौन सा, थर्ड वाला, इनसाइड थ्योरी। अब इनसाइड थ्योरी में किसको आया था भैया, किसके ध्यान में आया था कि अगर मैं वो स्टिक जोड़ दूं तो मेरे को केले मिल जाएंगे, वो हमारा चिंपांजी था, ठीक है। चिंपांजी का क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। तो इस तरह आप इनको मैच कर सकते हो, और इस तरह आप इन जो एनिमल्स हैं थ्योरीज को याद रख सकते हो, ठीक है। हमारा इस तरह जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फर्स्ट क्लासिकल कंडीशनिंग, सॉरी कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी किससे रिलेट करती है, क्या कहा था, क्या था हमारा डॉग से, ठीक है। सेकंड ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर किसका यूज किया गया था, बिल्ली मौसी का, यानी कैट का यूज किया गया था। एंड देन थर्ड जो हमारा था चिंपांजी, किसमें यूज किया गया था, इनसाइट के अंदर। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। मुझे लगता है कि अभी तक आप सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि इतना भी ये मुश्किल चीज नहीं है जो थ्योरीज के याद रखना कि कौन से डॉग थे, ठीक है। आप इनको एक दो बार पढ़ोगे तो आपको वैसे याद हो जाने कि कौन सी थ्योरी के अंदर किसने बनाई थी, कौन सा एनिमल यूज हुआ था, उसमें क्या था। अब जैसे ही मान लो एनिमल याद आ गया तो हाँ याद आ जाएगा भैया कि चूहे को शौक दिए गए थे, ठीक है, और बिल्ली ने हाथ पैर मारे थे, हमारे चिंपांजी ने हमारी वो स्टिक उठाई थी, लकड़ी की डंडी उठाई थी, और जो कुत्ता था उसके मुंह में लार आ रही थी। तो ठीक है, इस तरह से आप चीजों को याद रख सकते हो। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन द ब्रेन रिकॉलिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन ड्यू टू एक्शन ऑफ सर्टेन स्टिमुलस इज कॉल्ड। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि रिकॉलिंग कहाँ आएगा, रिटेंशन कहाँ आएगा, ठीक है। तो कहीं आप लगा दोगे रिटेंशन, कहीं लगा दो रिकॉलेशन। अब इसमें क्या कहेगा, विद द एक्शन ऑफ सर्टेन स्टिमुलस, किसी स्टिमुलस के द्वारा उसको याद किया जाए, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन उनसे पूछा गया। तो फिलहाल क्योंकि मैंने अभी तक जो हमारी थ्योरी या लॉ ऑफ थ्योरी थी, लॉ ऑफ लर्निंग या फिर थ्योरी ऑफ लर्निंग, वो अभी तक मैंने करवाई नहीं है, मैंने पूरी थ्योरी की जानकारी नहीं मिली है, ठीक है, क्योंकि मैम अभी उसकी क्लास लेने वाले हैं एक दो दिन में। तो उसके बाद हम अच्छे से समझ पाएंगे रिटेंशन रिकलेक्शन और इसमें क्या फर्क होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ऐसे समझ लीजिए, इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन ब्रेन, कि पहले से इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर दिया गया आपके माइंड में, ठीक है। जैसे पहले से आपको सारी फुल फॉर्म्स याद है, जैसे मैंने 3 दिन पहले सेशन लिया तो सारी फुल फॉर्म्स आपको याद है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एनएसडीए की फुल फॉर्म क्या है, तो आप याद करोगे, हाँ उस दिन सर ने बताया था, फिर क्या आगा, एनएसडीए फुल फॉर्म होगी नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ कंडीशन मैंने क्रिएट की, ठीक है, कि हाँ आप मुझे बताइए आंसर बताइए, तो आपने अपने दिमाग पे जोर डाला, ठीक है, उस चीज को याद करने की कोशिश की। तो वो क्या आएगा, उसमें रिकलेक्शन आ जाएगा, कि मैं जो मैंने पहले से स्टोर कर लिया चीजों को वो मैं उसको रिकलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पहले से याद कर लिया उसको मैं दोबारा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रिकलेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है, यानी अनुस्मरण, दोबारा चीज को याद करना। जो कह रहे थे इसका आंसर आएगा रिटेंशन, तो रिटेंशन ये होता है किसी चीज की याद को बनाए रखना, किसी चीज को याद रखना, ठीक है। तो ये सब चीज, ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। बाकी जो जितने भी इसके थ्योरीज हैं वो मैम हमें क्लियर करवा देंगे कि रिटेंशन और रिकलेक्शन में फर्क क्या होता है, एक्चुअली इसके डीप नॉलेज है, तो वो मैम आपको बता देंगे एक या दो दिन के अंदर वो लेक्चर लेने वाले, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, साइकोलॉजी इज द ह्यूमन ऑफ सॉरी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट इंक्लूड्स ह्यूमन स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर हैविंग 5 नॉन बेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन बेस ऑफ साइकोलॉजी। अब इसके अंदर हमें ऑप्शन दिए गए हैं फिजिकल कल्चरल पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल, ठीक है, तो जवाब दीजिए इसका क्या राइट आंसर आएगा। ओके, सभी के राइट आंसर सभी को पता है, बट अब इनमें से 5 नॉन बेसिस कौन से होते हैं, जिनके लगता है कि क्वेश्चन गलत है, जिनको क्वेश्चन समझ गया है, मैं उनके लिए बता दूं कि 5 नॉन बेसिस कौन कौन से होते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव, देन ह्यूमनिस्टिक, ठीक है। तो ये 5 नॉन बेसिस है साइकोलॉजी के। अब आप इनको कैसे रिलेट करोगे ऑप्शन से, जैसे हमारा बायोलॉजिकल है, जैसे कि बायोलॉजिकल आपको पता है कि हमारा फिजिकल जो हमारी बॉडी उससे रिलेट करता है, ठीक है, साइकोडायनेमिक हमारे माइंड से रिलेट करता है, ठीक है। तो जितने भी नॉन बेसिस है सारे वैसे तो माइंड से रिलेट करते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव मतलब कुछ नया क्रिएट करना, ह्यूमन मतलब ह्यूमन वाली चीज कर भी रहे हो या नहीं, ठीक है, या फिर कैसा बिहेवियर होगा। तो ये 5 नॉन बेसिस है, तो मैम इसके बारे में आपको अच्छे ज्यादा बता पाएंगे, तो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पॉलिटिकल कहीं भी नहीं गिवन है, आप हमारे जो 5 नॉन बेसिस है, जो पॉलिटिकल मान लो कैरियर है या पॉलिटिकल चीजें हमारे जो साइकोलॉजी है उसको डिफाइन नहीं करती, उसको इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे पॉलिटिकल चूज कर लें, क्योंकि हमने इससे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन बेस ऑफ साइकोलॉजी, तो पॉलिटिकल हमारा आ जाएगा कि नॉन बेस नहीं है, सिर्फ 5 यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, ठीक है। इसमें आपको दिए गए हैं ऑप्शंस 5, अब इनको आपने इनके जो राइट क्रम है, ठीक है, उसके हिसाब से लगाना है। तो आप सबको देख पा रहे हैं, नंबर 1 है फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, एस्टीम नीड, एंड देन बिलोंगिंग एंड लव नीड्स। तो राइट आंसर बताइए मुझे, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास।
ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि कल व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेरे पास मैसेज आया कि सर इसको क्लियर कीजिए, हम इसको किस तरह से जो ये हमारा लेवल्स है या फिर सीक्वेंस है इसको कैसे लगाएं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं। अब देखिए हमारी जो नीड्स की, ठीक है, मैस्लो ने क्या किया था, हायरार्की मतलब अनुक्रम बनाया था नीड्स का, कि कौन सी नीड्स हमारी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मतलब किस तरह की नीड हमारी ज्यादा जरूरी है, कौन सी हमारी प्रायोरिटीज रहे। ठीक है, हायरार्की का मतलब होता है अनुक्रम, ठीक है, किसी चीज को क्रम में लगाना। अब सबसे पहले देखिए, आप कहेंगे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फर्स्ट आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। अब इस ट्राइंगल को समझिए, जिसके अंदर सबसे ज्यादा नीड है हमारी वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब जैसे हमारा खाना सोना, अगर आपको एक टाइम अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा तो क्या होगा, आपका मूड खराब हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये होती है फिजियोलॉजिकल नीड। अगर आपको 6 घंटे 7 घंटे की नींद नहीं मिल पा रही, आप दिन में भी नहीं सो पा रहे हो, ठीक है, तो आप इससे क्या होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये कुछ जरूरतें हैं ह्यूमन की डेली लाइफ के अंदर, उसको इस तरह से सेट किया गया कि आपको सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है। तो सबसे पहले जरूरत होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी खाने पीने की, सोने की, इस तरह की। ठीक है, देन सेफ्टी नीड। अब जिस सोसाइटी में रह रहे हो वो क्या सेफ है, जैसे कि मान लो आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो जो जहाँ पे कुछ शरारती तत्व तो रहते हैं। ठीक है, आप वहां पे सेफ फील नहीं कर पा रहे हो, कि आपका घर सेफ है। ठीक है, हो सकता है कि जो आपके पड़ोसी हैं वो लड़ाई दंगा कर रहे हैं, उसके अंदर आपके घर को आग लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या मान लो अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हो तो क्या वो सेफ रहेगा, क्या चोरी हो जाएगी वहां पे। ठीक है, तो ये सेफ्टी नीड्स सेकंड नीड्स है। ठीक है, फर्स्ट हमारी खाने पीने की नीड्स हो गई, रहने की नीड्स हो गई, एंड देन सेफ्टी नीड्स, क्या जो आपके सुरक्षा है वो वाले नीड्स, पैसे हमारे सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो ये सब चीज सेकेंडरी है। ठीक है, देन उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग। लव मतलब अब आपको खाना पीना मिल गया, ये तो फर्स्ट है, उसके बिना तो आप सांस भी नहीं ले पाओगे, ठीक है, जिंदा नहीं रह पाओगे, पानी नहीं मिलेगा तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। देन सेफ्टी की बात कर ली हमने, कि पड़ोसी हमारे गलत ना निकले जो हमारे घर कोई आग लगा दे, ठीक है, या फिर कोई चोरी ना हो जाए, तो इस तरह की नीड। उसके बाद हमारे आगे लव, तो लव में कुछ जो रिलेशन है, ठीक है, पर्सनल रिलेशन, फ्रेंडशिप, ठीक है, तो ये सब चीजें आएंगी कि हाँ जो अगर मैं कॉलेज में जा रहा हूँ तो मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स हों, ठीक है, उनके साथ मैं अच्छा टाइम स्पेंड कर सकूँ, तो ये सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद बिलोंगिंग आएंगे। ठीक है, देन नीड ऑफ इस्टीम। इस्टीम मतलब सम्मान, कुछ पाने की इच्छा, यानी कि अगर मान लो आप CITS कंप्लीट कर रहे हो तो ये इच्छा सबके मन में रहती है कि मैं CITS टॉप करूँ, ठीक है, सबसे ज्यादा मेरे नंबर हो, तो इस तरह से चीजें जो इस्टीम नीड हो। ठीक है, इस्टीम नीड क्या होगी कि कुछ पाने की इच्छा, कुछ प्राप्त करने की इच्छा, जैसे आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे मेडल वगैरह शो किए, तो इस तरह की नीड्स आपकी होंगी। ठीक है, जो लास्ट नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये भी ह्यूमन की नीड है कि जो आप सच में हैं, भले ही आप फिजिकली बात करें, भले आप मेंटली बात करें, इन सब से क्या मतलब है मेरा, इन सबसे मतलब कि जैसे अगर आप कोई, हर इंसान अलग अलग होता है, जैसे कोई मोटा हो ज्यादा होता है, कोई ज्यादा लंबा होता है, ठीक है, तो जो आप हैं सच में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि जो मैं हूँ दूसरों को वही दिखूं, ठीक है, जैसा ये नहीं है कि दूसरे मेरे को कैसा बनाना चाह रहे हैं, बात यह है कि मैं कैसा हूँ, कैसा बनना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो इनको इस क्रम से सेट किया गया। तो अब देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट याद रखिएगा, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव नीड, स्टीम नीड, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, सेकंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो सेकंड भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी तीन ऑप्शन हमारे पास रह गए, क्योंकि यहाँ पे सेकंड आना चाहिए, तो डी हम यहाँ से कट कर दें। देन हमारा क्या आएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आएगा या स्टीम नीड आएगा, ठीक है, या फिर आएगा बिलोंगिंग नीड, तो इसके अंदर थर्ड के अंदर कौन सा आएगा हमारा, बिलोंगिंग एंड लव नीड। ठीक है, तो हमारे यहाँ 5 आ जाएगा, 1, 2, 5। ठीक है, अब उसके बाद किसी में 5 दिया हुआ तीसरे नंबर पे, नहीं दिया हुआ, तो उसके बाद सिंपली क्या आ जाएगा, 4 स्टीम नीड्स, एंड देन लास्ट हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो अभी अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया। ठीक है, उसके हिसाब से ये सिंपल आ जाएगा, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव नीड्स, स्टीम नीड्स, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो आई थिंक ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी कि हाँ सबसे पहले मेरा खाना पीना जरूरी है भाई। ठीक है,
उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। दूसरी मेरी सिक्योरिटी जरूरी है कि मैं अगर मान लो बाहर निकल रहा हूँ तो सेफ तो है कम से कम मेरे लिए। देन उसके बाद आपका जो पर्सनल लाइफ है, पार्टनरशिप है, वो या फिर जो भी आपको लव लाइफ की बात करो, ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्या आएगा, स्टीम नीड, कुछ पाने की इच्छा, ठीक है, कि मुझे सम्मान की इच्छा है, दूसरों से कुछ मैं टॉप करूं, ये सब। एंड देन लास्ट में जो नीड्स हमारी जो सबसे कम होती है, इन सबसे बात की बात है कि सेल्फ एक्चुअलाइज, मैं जो हूँ सामने हूँ सबके, जैसा भी मैं, भले छोटा मोटा जो भी, ठीक है। तो ये सब आपने ध्यान रखना है। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि कौन सी नीड, आप खुद को ही देखिए ना कि मेरी नीड कौन सी है। पहले बिना खाने के, बिना नींद के तो मैं अच्छी लाइफ जी नहीं पाऊंगा, बिना खाने के तो इवन मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हो। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी रेफरेंस मेथड आर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द सिलेबस और कोर्स कंटेंट। अब कोर्स कंटेंट या फिर सिलेबस को एनालाइज करने के लिए कितने मेथड होते हैं, आंसर कीजिए मुझे। ऑप्शन आपके पास 2, 3, 4, 5। ओके, राइट आंसर सबको पता है कितने होते हैं, दो होते हैं। किस कौन कौन से, जिनको नहीं पता नोट कर लीजिए। सिलेबस को एनालाइज के मेथड होते हैं जॉब एनालाइज मेथड और स्किल एनालाइज मेथड। जॉब मतलब हमें क्या पूरा सिलेबस को एनालाइज करना, देन कि किस स्किल को पहले करना है, किस स्किल को बाद में करना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम गहराई से बात में जानेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात आपसे पूछा कि कितने प्रकार से हम जॉब को, सिलेबस को एनालाइज कर सकते हैं, तो वो दो प्रकार से, ठीक है, जॉब एनालाइज मेथड और स्किल एनालाइज मेथड। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड एडी। अब जो हमारा इंस्ट्रक्शन मॉडल है उसको एक्सपेंड करना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, एनालाइज, डूइंग डेवलपमेंट, इंक्वायरी एंड इवेल्यूएशन, एनालाइज डिजाइन डेवलपमेंट, इंस्ट्रक्ट एंड एग्जामिन, एनालाइज डिजाइन डेवलप इम्प्लीमेंटेशन इवेल्यूएशन, आस्क डिजाइन डेवलप इंस्ट्रक्ट एंड एग्जामिन। राइट आंसर दीजिए मुझे, क्या आएगा, ए बी सी डी, सिंपल लिखिए, ए बी सी डी, कौन सा आएगा इनमें से। या राइट आंसर सबको पता है एडी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। एडी में क्या आएगा, एनालाइज डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन देन इवेल्युएशन, ठीक है। तो फर्स्ट एनालाइज करना किसी चीज को, ठीक है, देन उसको डिजाइन करना, देन उसके बाद डेवलप करना उस चीज को, और जो डेवलप किया है उसको इम्प्लीमेंट करना रियल लाइफ के अंदर, यानी क्लासरूम के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको इवेल्युएट करना कि कितने अच्छे से हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, कितने अच्छे से हमने जो डिजाइन किया था उसको दूसरों को बता पाए, जो मैंने लेक्चर डिजाइन किया वो कितने से दूसरों को दे पाया, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल एनालाइजिंग द सिलेबस, जॉब और एक्सपीरियंस, व्हाई दिस स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड एंड डेवलप इज रिलेटेड टू। अब इससे पूछा गया सिंपल, हमारी जो जॉब है या फिर स्किल है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं, डूइंग, नोविंग, बीइंग एंड ओरिएंटेशन। जवाब दीजिए मुझे जल्दी। ओके, सबके आंसर सही है, सबको पता है। एक तो के जिसके गलत थे उनको मैं बता दूं कि जॉब या फिर हम स्किल की बात करें तो वो डूइंग से रिलेटेड होगा, क्योंकि अगर मान लो एटीट्यूड की बात करें तो बीइंग के अंदर आ जाएगा कि हाँ हमने क्या बनना है, ठीक है। अगर जॉब की बात करें, स्किल की बात करें, तो क्या होगा, वो हमें करनी है जॉब, स्किल तो परफॉर्म करनी पड़ेगी ना, तो वो किस में आएगा, डूइंग के अंदर आएगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचिंग मटेरियल। अब तुम सबको पता है टीचिंग मटेरियल कौन से होते हैं, लर्निंग मटेरियल कौन से होते हैं, ठीक है। मुझे बताइए राइट आंसर क्या आएगा इसका, इंफॉर्मेशन शीट, लेसन प्लान, ऑपरेशन शीट और जॉब शीट, बताइए कौन सा राइट आंसर आएगा, जल्दी बताइए। ओके, राइट आंसर बिल्कुल राइट, क्या आएगा, टीचिंग मटेरियल कौन सा होता है हमारे पास, लेसन प्लान। ऑपरेशन शीट हम किसके लिए यूज करते हैं, किसी भी स्किल को परफॉर्म करने के लिए पूरी कंप्लीट जानकारी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन शीट किसी भी लेसन कंप्लीट जानकारी, एंड देन जॉब शीट जॉब करने के लिए जो शीट्स बनाई जाती है वो वाली, ठीक है। तो यहाँ कौन सा आ जाएगा टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल आ जाएगा हमारा लेसन प्लान। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आइडेंटिफाई द ब्लूम्स लेवल ऑफ स्टेटेड क्वेश्चन, डिफाइन कंप्यूटर, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, एक क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन बैंक के अंदर से ही लिया गया है, लेकिन यहाँ पे
डिफाइन पंचायत की जगह डिफाइन कंप्यूटर लिख दिया गया। कंफ्यूज नहीं होना, हमारी मेन चीज क्या है, डिफाइन, ठीक है। डिफाइन हमसे पूछा गया, तो डिफाइन कॉम्प्रिहेंशन में, एप्लीकेशन में, एनालाइज में, जल्दी बताइए। तो ओके, पहले हम इतने में देख लेते हैं, ब्लूम्स का जो टैक्सोनॉमी है उसको देखते हैं। तो हमें यहाँ देखिए किसकी बात की गई है, डिफाइन की। तो डिफाइन के अंदर क्या आएगा, रिकॉल के अंदर, सॉरी रिमेम्बर के अंदर आएगा डिफाइन, ठीक है, किसी चीज को याद रखना। अगर आप किसी चीज को याद रख रहे हो, ठीक है, तो उसकी नॉलेज होगी ना आपको। अगर मैंने आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आपको एनिमल्स के बारे में बताया, अब मैंने बता दिया कि ये थ्योरी होती है, ठीक है, तो वो नॉलेज मैंने आपको दे दी, और फिर दूसरों के सामने आप उसको डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, तो ये किससे आएगा, नॉलेज के अंदर आएगा। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। एनालाइज मतलब किसी चीज को हम कंपेरिजन करना, ठीक है, किसी चीज का कंपेरिजन करना, लाइक CITS और CTS को कंपेयर करना, ठीक है, इस तरह से आप एनालाइज के अंदर कर सकते हो। देन नॉलेज सिंपली डिफाइन करना, नॉलेज के अंदर आ जाएगा। अगर चीज किसी चीज की आपको नॉलेज है तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चनिंग। अब क्वेश्चनिंग का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगा यहाँ पे क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग है। सिंपली आप मुझे ABCD का आंसर दीजिए। ओके, तो क्या है यहाँ पे, ये क्या होगा, कैसे हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपका लगभग सभी क्वेश्चन आंसर सही था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है, आस्क द क्वेश्चन टू द एंटायर क्लास, ठीक है, पूरी क्लास को एक क्वेश्चन कीजिए। जैसे क्वेश्चन पुट कर दिया, कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है, आपने क्वेश्चन पुट कर दिया। अब उसके बाद थोड़ा वेट कीजिए, 2-4 सेकेंड, 6 सेकेंड तक आप वेट कीजिए, ठीक है। 6 सेकंड वेट कर लिया आपने, 6 सेकंड तक वेट किया, उसके बाद किसी ट्रेनी को नाम से पुकारिए। जैसे मैं कहता हूँ प्रेम शंकर जी इसका जवाब दीजिए, ठीक है, या फिर प्रेम शंकर इसका जवाब दो, तो क्या होगा, आप किसी को बाय नेम बुलाओगे, ऐसे तो कोई जवाब देगा नहीं, ठीक है, बाय नेम बुलाओगे तो वो उसको आंसर देगा। आंसर देने के बाद क्या होगा, अगर मान लो आपको लगता है कि उसका आंसर सही है तो ठीक है, अगर आपको लगता है उसका आंसर ठीक भी है फिर भी आप दूसरे को फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। आपने क्या किया, पहले पूछा, 6 सेकंड तक वेट किया, एक ट्रेनिंग को उसके नाम से पुकारा यानी कि कॉल किया, देन उसको सुना आपने, ठीक है। अगर उसका आंसर ठीक है तो उसको रिसीव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। अगर उसका आंसर राइट नहीं है ना, तो आप क्या कीजिए, दूसरे ट्रेनिंग को कहिए, कहिए जैसे कि तरुण बताइए क्या इसका आंसर सही है, जो प्रेम शंकर ने बताया वो क्या आंसर सही है, ठीक है। तो ये चीज आपने फॉरवर्ड कर दिया। अब तरुण ने क्या कहा, जी हाँ जो प्रेम शंकर ने बताया वो राइट आंसर है, ठीक है। तो आपको भी हो गया कि हाँ ये सच में राइट आंसर है, ठीक है, क्लास को भी पता चल गया राइट आंसर है। तो अब क्या करना है आपने, हालांकि प्रेम शंकर ने और तरुण ने दोनों ने 2 बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, ठीक है, लेकिन भी इसके बाद भी आपका फर्ज बनता है कि उस क्वेश्चन के राइट आंसर को अब पूरी क्लास के सामने बोले, ताकि लाउड आवाज में बोले, ताकि सबको सुनाई दे कि क्या इसका राइट आंसर है, कोई क्वेश्चन ना रहे, कोई डाउट ना रहे उनके मन में, ठीक है। तो इसका राइट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, आस्क, पॉज, कॉल, लिसन, रिसीव, देन रिपीट, ठीक है। या फिर आप इसको कैसे याद रख सकते हो, आस्क द क्वेश्चन टू द एंटायर क्लास, वेट फॉर ए वाइल, यानी पॉज मतलब वेट फॉर ए वाइल, देन कॉल कॉल ए ट्रेनी बाय हिज और हर नेम, ठीक है, उसके किसी लड़की के या किसी लड़के के उसके नाम से पुकारिए, देन उसको सुनिए, ठीक है, लिसन टू हिम और हर, ठीक है, देन उसके बाद रिसीव, रिसीव द राइट आंसर, कि जो सही आंसर है उसको रिसीव कीजिए, एंड देन रिपीट इट टू दी होल क्लास, यानी कि पूरी क्लास के सामने आप फिर से उस आंसर को बताइए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, तो ये हमारे इस तरह से आ जाएगा, कौन सा, आस्क, पॉज, कॉल, लिसन, रिसीव, देन रिपीट, यानी डी आंसर हमारा राइट आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन इंस्ट्रक्टर इम्पार्ट्स, ठीक है, इंस्ट्रक्टर के अंदर कौन से WH होते हैं। अब आप सबको पता है कि हमारे पास 5W1H होता है, इसके अंदर क्वेश्चनिंग के अंदर, ठीक है, यूज 5W एंड 1H, इसमें कौन कौन से होते हैं, व्हाई, व्हाट,
हु व्हेन वेयर हाउ इट्स, ठीक है, ये पांच डब्ल्यू और एक एच होता है। लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा गया, इंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है, इंस्ट्रक्टर इम्पार्ट, पर शिक्षक लगाता है तो कितने लगाता है, सिक्स डब्ल्यू वन एच। इसका आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे, अगर आपसे क्वेश्चनिंग के बारे में पूछा जाए, क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाए, मतलब पर्सन पर्सन के बारे में पूछा जाए, तो क्या होगा, फाइव डब्ल्यू वन एच आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपसे इंस्ट्रक्टर के बारे में पूछा जाए तो सिक्स डब्ल्यू वन एच का आपने यूज करना है। ओके, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एक्वायरिंग स्किल। अब इनमें से कौन सा एक मेथड नहीं है स्किल को एक्वायर करने का। ऑप्शन आपके पास, ऑब्जर्विंग, इमिटेशन, रिपीटेशन और लीडरशिप, ठीक है, तो राइट आंसर दीजिए मुझे। ओके, तो इसका क्या आएगा, लीडरशिप, राइट आंसर दिया सभी ने। क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन, क्या हम दूसरों को ऑब्जर्व करके स्किल परफॉर्म कर पाएंगे, क्या स्किल हम ले पाएंगे। जी बिल्कुल, अगर आपका इंस्ट्रक्टर आपको स्किल परफॉर्म करवा रहा है, ठीक है, वो करके दिखा रहा है, तो आप उसको ऑब्जर्व करके तो सीखोगे स्किल कि कैसे वो कर रहे हैं, कौन सा स्टेप होगा। देन इमिटेशन, अगर आप मान लो अपने जो ट्रेनिंग ऑफिसर है, इंस्ट्रक्टर है, उनकी नकल कर रहे हो, उनको देख देख के कर रहे हो कोई चीज, तो उससे भी आप सीख सकते हो ना स्किल को, तो ठीक है। देन रिपीटेशन, और बार बार उस चीज को करना, ठीक है, उसकी आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी। तो ये तीनों चीजें हैं कि आप स्किल को एक्वायर कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। लास्ट जो पॉइंट था हमारा वो था लीडरशिप, ठीक है, तो लीडरशिप कोई मेथड नहीं है एक्वायर करने का, तो सिंपल सी बात, हम लीडरशिप को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल डेवलपिंग डेमोंस्ट्रेशन प्लान द टीचिंग एड विच इज नॉट यूज फॉर डेमोंस्ट्रेशन इज। अब जब डेमोंस्ट्रेशन प्लान हम कर रहे हैं, ठीक है, परफॉर्म कर रहे हैं, कोई स्किल कर रहे हैं, तो उसके अंदर कौन सा हम टीचिंग एड यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन आपके पास, मॉडल, ब्लैक बोर्ड, ग्राफ और प्रोजेक्टर, आंसर दीजिए जल्दी। यह राइट आंसर, सबको पता है क्या आंसर आएगा इसका, सबको पता है क्या होता है, जब हम प्रैक्टिकल स्किल करते हैं, डेमोंस्ट्रेट करते हैं, तो हम प्रोजेक्टर का यूज नहीं करते। ऐसा क्यों, अगर मान लो आप मैकेनिकल ब्रांच के अंदर हो, ठीक है, आपके हाथ में कोई तेल लगा हुआ, ग्रीस लगा हुआ है, जैसे आप स्किल को परफॉर्म करते टाइम माउस को हाथ लगाओगे तो वो भी खराब हो जाएगा ना, तो इस तरह से चीज है, इस तरह से आप इन चीजों को याद रख सकते हो कि आपने डेमोंस्ट्रेशन के टाइम आपका जो प्रोजेक्टर है उसका यूज नहीं करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेप्स देयर इन माइक्रो टीचिंग। आप सबको पता है माइक्रो टीचिंग क्या होती है, तो उसमें कितने स्टेप होते हैं, जल्दी बताइए, तीन, पांच, छह, नौ, कितने होंगे। या ऑल राइट, सबके आंसर दिख रहे हैं मेरे को, बिल्कुल राइट, यहाँ पे क्या आएगा, छह आएंगे। कौन कौन से, प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान और रीटीचिंग। ओके, प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, रीटीचिंग, तो इस तरह से आपने इसको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विजुअल एड। मैंने कल परसों की क्लास में बताया था ऑडियो विजुअल एड कौन से होते हैं, विजुअल एड कौन से होते हैं, जवाब दीजिए कौन सा आएगा, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर या ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर सभी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो इज ए विजुअल एड, तो कौन सा आएगा हमारा, इनमें से कौन सा है, स्लाइड प्रोजेक्टर। आप सबको मैंने दिखाया था ना कि आप स्लाइड डालते जाइए वो प्रोजेक्ट होता जाएगा, ठीक है। टेप रिकॉर्डर और रेडियो कौन से होंगे, ऑडियो एड होंगे, जिनमें हम सिर्फ सुनाई देगा, दिखाई कुछ भी नहीं देगा। ओके, तो इस तरह से आपने याद रखना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिक एड। अब सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या होगा, कौन सा आएगा, चार्ट, पोस्टर या फिर चार्ट पोस्टर, दोनों ग्राफिक एड है, जवाब दीजिए कौन सा आएगा इनमें से। ओके, राइट, बिल्कुल राइट, चार्ट और पोस्टर दोनों आएंगे ग्राफिक एड के अंदर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज ए डैश कम्युनिकेशन।
प्रशिक्षण और सीखने की प्रक्रिया एक डैश संचार है। तो ऑप्शन दिए गए आपके पास, वन वे, टू वे, इनडायरेक्ट और ड्रामेटिक। तो कौन सा आएगा इसके अंदर से, जवाब दीजिए जल्दी। ओके, तो सबको पता है कौन सी होगी, टू वे कम्युनिकेशन। अगर हम टीचिंग लर्निंग की बात करें तो इसमें क्या होगा, टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर उनको कोई डाउट है तो वो आप क्लियर कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा। ये टीचर सबको बता रहे हैं, ठीक है, बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन कौन सा होता है, जैसे किसी का लेक्चर सुनना, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री हमें भाषण दे के चले गए, हम उनको कुछ बोल नहीं पाए, ठीक है, तो ये होता है वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब कम्युनिकेशन सिस्टम का कौन सा एक कंपोनेंट है, ओके, इसमें है सोर्स, मैसेज, रिसीवर या ऑल ऑफ दिस। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में बताया था, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बताया, तो आंसर दीजिए मुझे। यस राइट आंसर, सभी को पता है कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए, सोर्स भी होना चाहिए, मीडियम भी होना चाहिए, रिसीवर भी होना चाहिए, ठीक है, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बैरियर ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि सॉरी, व्हाट इज द बैरियर ऑफ वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन। एक क्लासरूम में अगर मौखिक बात हो रही है तो कौन सा बैरियर है उसके अंदर, कौन सी एक रुकावट है, कौन सी बाधा है उसके अंदर, क्या चीज हो सकती है, स्पष्टता, क्लियरिटी, अब नॉर्मल स्पीच ऑफ स्पीच, भाषण की असामान्य गति, उसके बाद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, उचित उच्चारण एंड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो आंसर दीजिए मुझे क्या आएगा। ओके, सभी को क्लियर है ये सब, कि मान लो क्लासरूम के अंदर कोई टीचर लेक्चर दे रहा है तो क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी बोल रहा है ना ऐसे करके, कि चलो हम बात करते हैं आज क्वेश्चन की, व्हाट इज द वेरियर कम्युनिकेशन, देन ऑप्शन हमारे पास क्लैरिटी, अब नॉर्मल स्पीच, जो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो क्या होगा, ये मेरी नॉर्मल स्पीड नहीं है, ठीक है, एक किसी को समझने के लिए इसमें टाइम लगेगा, टाइम तो क्या लगना है कि उसको समझ ही नहीं आएगा अगर इतनी स्पीड से मैं बोलूंगा तो, ठीक है, तो ये क्या होगा, अब नॉर्मल स्पीड ऑफ स्पीच, कि भाषण की असामान्य गति एक बैरियर बन सकती है, एक बाधा बन सकती है संचार के अंदर। ठीक है, तो ये हो सकता है शुरू शुरू के अंदर काफी आपके साथ भी हो, क्योंकि शुरू शुरू के अंदर आप काफी नर्वस होते हैं टीचिंग देते टाइम, इंस्ट्रक्शन देते टाइम, तो स्पीड कभी कम कभी ज्यादा, कभी अटक भी जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है शुरू शुरू के अंदर, बाद में 10-15 क्लासेस लेने के बाद तो काफी आपका ऐसा हो जाएगा कि ये चीज आपके लिए मैटर ही नहीं करती। ओके, तो आप सिचुएशन के हिसाब से धीरे भी बोल सकते हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो थोड़ा जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड देन नेक्स्ट, व्हाट शुड बी लेटरिंग साइज फॉर मेन हेडिंग व्हाइल राइटिंग ऑन चाकबोर्ड। अब इसमें पूछा गया, चाकबोर्ड पे राइट करते टाइम जो उसकी मेन हेडिंग है उसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर उसका साइज है वो कितना होना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन है 50 से 60 mm, 30 से 40 mm, 25 mm, देन 10 से 20 mm। तो जवाब दीजिए क्या आएगा इसका आंसर। ओके राइट, जैसा ऑप्शंस के हिसाब से क्या है, सिंपल 50 से 60 mm का हम यूज करेंगे, ठीक है, हमने मेन हेडिंग लिखनी है 50 से 60 लिख दिया, ऑब्जेक्टिव लिखने या कोई हमने मेन कंटेंट लिखना है 25 mm या 30 से 40 mm का यूज कर लिया। अब इन साइज का डिपेंड किस पे करता है, कि आपकी जो क्लास की लेंथ है वो कितनी लंबी है, ठीक है, आपकी क्लास कितनी लंबी है, अगर मान लो आप पढ़ा रहे हो 4 बच्चों को बिल्कुल पास में बैठे हैं तो आप थोड़ी हेडिंग छोटी भी कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से वेरी कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्लास बहुत बड़ी है तो आपको बड़ा बड़ा अक्षर लिखना पड़ेगा सबको शो करने के लिए, या फिर आप अगर मान लो आपकी क्लास में 30 से 40 स्टूडेंट, तो आप प्रोजेक्टर का यूज कीजिए, ब्लैक बोर्ड, चाक बोर्ड किसी का यूज मत कीजिए, प्रोजेक्टर का यूज कीजिए। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट, मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द इंस्ट्रक्टर फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड। अब पहले भी आया था टीचिंग मटेरियल के बारे में, लर्निंग मटेरियल के बारे में, सेम क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर आएगा,
लर्निंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल, बोथ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल एंड नन ऑफ दिस। आंसर दीजिए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके तो सभी के आंसर राइट है, सभी को क्लियर है ये चीज कि कौन से, अगर मान लो कोई इंस्ट्रक्टर पर्सनल यूज के लिए कोई मटेरियल बना रहा तो वो क्या होगा, टीचिंग मटेरियल। टीचिंग करने के लिए मैं कुछ चीज बना रहा हूँ, पीपीटी बना रहा हूँ, मेरे लिए खुद के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। आपको देने के लिए पीपीटी नहीं बना रहा तो क्या होगा, ये टीचिंग मटेरियल होगा, ठीक है। और अगर मैं ये चीज आप पीपीटी बना रहा हूँ आपके लिए कि आप इसको पढ़ पाए तो क्या आएगा, वो लर्निंग मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन टीचिंग और लर्निंग मटेरियल दोनों कोई नहीं, ओके। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी। तो टीचिंग मटेरियल में आपको क्लियर कर दूं कौन कौन से होंगे, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान और लेसन प्लान हमारे टीचिंग मटेरियल है, ओके। तो इस सेशन के लिए इतना ही, क्योंकि लगभग हमें 1 घंटे का टाइम हो चुका है। तो इस क्वेश्चन में हम 30 तक ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो 2 20 क्वेश्चन हमारे रहते हैं मॉडल टेस्ट के, वो जो शाम का सेशन है, ठीक है, उस शाम के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो 20 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग रहते हैं। शाम का सेशन होगा 8 बजे से 9 बजे तक, या फिर 8 से 8:30 के बीच, तो उसके अंदर हम ये डिस्कस कर सकते हैं, ओके। तो अगर आपको ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप के अंदर, आप अगर आपको ये फिर से देखना हो सेशन, तो आप सिंपली यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। देन मॉक टेस्ट अवेलेबल है ट्रेनिंग मेथोलॉजी के लिए और काफी ट्रेड्स के लिए भी, तो आप उसके लिए भी साइट हमारे विजिट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, हमारे जो पहली बार आए हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर जिन्होंने अभी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो भी ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि काफी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे डालते रहते हैं। एंड देन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि नोटिफिकेशन वीडियोस की आपको मिलती रहे, ओके। तो थैंक यू फिलहाल के लिए, नेक्स्ट सेशन के शाम के सेशन के अंदर हम बाकी जो क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि 1 घंटे के बाद जो इंटरेस्ट है वो बच्चों कम हो जाता है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, ओके।